नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड से रबड़ी बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 1.5 कप दूध, 2 पीस पावरोटी, आधा कप चीनी, इलायची का पाउडर, काजू, बादाम और पिस्ता, इन तीनों को मैंने बारीक काट कर लिया है। मिक्सी के जार में ये काजू, बादाम और पिस्ता डालेंगे और इसमें हम पावरोटी को तोड़ के डाल देंगे। इसे दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई में दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। दूध हल्का गाढ़ा हो गया है, इसमें पावरोटी का चूर और चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और पकाएंगे। यह गाढ़ा हो गया है, इससे ज्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये ठंडा हो गया है। आज हम आलू की चाट बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 4 बॉइल्ड आलू लिया था, जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। प्याज, धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च, इसे भी मैंने काट लिया है। और बॉइल्ड चना, बेदाना, दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, सेब और इमली की चटनी, इसे मैंने घर पे बनाया है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। और साथ में चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, फ्राई जीरा पाउडर और काला नमक लिए हैं। कटोरा में बॉइल्ड आलू डालेंगे। इसमें 2 चम्मच दही, 1 चम्मच ग्रीन चटनी और 1 चम्मच इमली की चटनी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़े से पोमीग्रेनेट, बॉइल्ड चना, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच फ्राई जीरा पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आप इसके जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच काला नमक और स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये तैयार है, इसे आप सर्व करेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, इमली की चटनी, हरी चटनी, काला नमक, फ्राई जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ता, पोमीग्रेनेट, लास्ट में इसमें थोड़े से सेब डालेंगे। कसूरी मेथी से क्रिस्पी पापड़ी बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 1 कप आटा, आधा कप मैदा, अजवाइन, मंगरेला, कसूरी मेथी, नमक और तेल लिए हैं। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें मैदा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेला, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंथेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसके गोले बनाएंगे। चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस पर गोले को रखेंगे और इसे बेलेंगे। फोक से छेद करेंगे। अगर आप इसमें छेद नहीं करेंगे और इसे जैसे ही आप तेल में डालेंगे तो ये फूल जाएगा, तो जिससे हमारी पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसे आप अपने पसंद के शेप में काट लें। अब इसके साइड वाले भाग को हम हटाएंगे और साइड वाले भाग को हम फिर से गोला बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। इसे तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम इसे डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे।
पलट देंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी पापड़ी को फ्राई करेंगे। देखिए ये कितना खास्ता बना है। सूजी से मेदू बड़े बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप सूजी, एक कप दही और दो हरी मिर्च, धनिया पत्ता, इन दोनों को मैंने बारीक काट लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। नमक 1/4 चम्मच, बेकिंग सोडा और तेल लिया है। कटोरा में सूजी डालेंगे, इसमें दही और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये बहुत ही ज्यादा सूख गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बैटर को इतना ही गाढ़ा होना है। अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें 2 चम्मच पानी और मिला लें। इसमें हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है। हम गिलास के ऊपर ये कॉटन का कपड़ा डालेंगे। इसे हम अच्छे से पानी से भिगोएंगे। अब इस पर हम ये बैटर को रखेंगे और इसके बीच में हम ये होल बनाएंगे और इसे धीरे से हम गर्म तेल में डाल देंगे और इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे पलटेंगे। ये सुनहरे रंग का हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। सूजी से स्नैक्स बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 1 कप आटा, 1/2 कप सूजी, अजवाइन, जीरा, नमक और तेल लिए हैं। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें सूजी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंथेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी अच्छे से फूल गई है। इसे एक बार और हम मिक्स करेंगे। इसके गोले बनाएंगे। चकले पर थोड़ा सा आटा डालेंगे और इस पे गोली को रखेंगे और उसे दबाएंगे। इसे बेलेंगे। इसे आप अपने पसंद के डिजाइन में काट लेंगे। इस पर फोक से छेद करेंगे। अगर आप इसमें छेद नहीं करेंगे तो जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे ये फूल जाएगी और हमारी पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसके साइड वाले भाग को हटाएंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। पैन में तेल गर्म करेंगे, इसमें हम इसे डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे पलट देंगे। इसे अब हम निकाल लेंगे।
पनीर स्टफ चीजी नाश्ता बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप आटा, आधा कप मैदा, 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है, पिज्जा सॉस, 100 ग्राम मोजरेला चीज इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, प्याज, धनिया पत्ता और गाजर। प्याज और धनिया पत्ता को मैंने बारीक काट लिया है और गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, हर्ब्स, नमक और तेल लिए हैं। सबसे पहले पनीर का मसाला बनाएंगे। इसके लिए पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को एक मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें गाजर डालेंगे, इसे भी एक मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें पनीर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप इसमें एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकाएंगे। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मसाला को प्लेट में निकालेंगे और इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें मैदा, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंथेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। आटे के बॉल्स बनाएंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस पे बॉल्स को रखेंगे। इसे बेलेंगे। इसे बहुत ही ज्यादा मोटा या बहुत ही ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। इसे अब हम काटेंगे। आप चाहे तो इसे कटोरे से भी काट सकते हैं। इसके साइड वाले भाग को अब हम निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी के गोले से भी इसे बना लेंगे। ये बचे हुए भाग का हम गोला बना लेंगे और इसे इसी तरह से काट लेंगे। हम इसके 2 पीस को लेंगे और इसे इस पर रखेंगे। इस पर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे और इस पर पनीर का मसाला रखेंगे। इस पर थोड़ा सा चीज डालेंगे, इस पर चिली फ्लेक्स और हर्ब्स डालेंगे। ये किनारे में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे साइड से हल्का से हम दबाएंगे ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए। इसे साइड से हम इस तरह से फोक से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। तावा को गर्म करेंगे। तावा पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, और इस पर इसे रखेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसे पलट देंगे, इसे किनारे से इस तरह से हल्के से दबा दबा के इसे पकाएंगे। इसे अब पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे से पक गया है। इसे अब निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे आप तेल में फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसी तरह हम बाकी भी सेक लेंगे। इसे काटेंगे।